यूनाइटेड जीसस चर्च मिनिस्ट्री के साथ हम मौजूद हैं 5D1 के एरिया में, और क्या ही खूबसूरत पाम संडे का जो एक जुलूस है यहाँ से निकाला गया है, और बड़े अच्छे अंदाज से लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चर्च की कुछ मेंबर खवातीन हैं, लोग अंदर जा चुके हैं, कुछ बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल है और मैं यूनाइटेड जीसस चर्च मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, आप क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर भी करते हैं, और भी मसीह जो त्यौहार उनको सेलिब्रेट करते हैं, उन सारे त्योहारों में आप इस त्यौहार को कैसा पाती हैं? इसे सेलिब्रेट, जो खजूरों का त्यौहार या पाम संडे, इसे सेलिब्रेट करना कैसा लगता है? सबसे ज़्यादा तो हम इसी में जोंसा आते हैं, हम इसी में जोशीले होते हैं कि क्योंकि इसमें जुलूस निकलते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। हमारे जोंसी डेली रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती है और इसे हम खुदावन में भी पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सेंट है आपका, बड़ा अच्छा बोलते हो। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं मैट्रिक साइंस पढ़ रहे हैं जी। कौन से स्कूल में? नो स्कूल प्राइवेट। क्या बात है, प्राइवेट पढ़ती हैं। और निर्मल थॉमस, क्या ही खूबसूरत इनका एक्सेंट है, बड़ा अच्छा बोलती है। खुदावंद आपके बेटा बरकत दे। इसी तरह भरतन जी, एक और बेटे हमारे साथ हैं। अच्छा बेटा, आपको ये सेलिब्रेट करना जो खजूरों का त्यौहार है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुझे इसमें सबसे अच्छा जुलूस लगता है, बिकॉज इसमें हम लोग नारे लगाते हैं और इससे हम लोग और अच्छे जोशीले होते हैं। अच्छा, अगर आपको कहें थोड़ा सा ये गीत अकेले गए, जुबूर 24 रब खुदावंद बादशाह, तो गा सकते हैं? खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षा है, हर्षा। हर्षा, क्या ही खूबसूरत नाम है, और इसी खूबसूरत जज्बे के इजहार किया है कि ये इस बात के इजहार है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी मौजूदा जो नौजवान नस्ल है, अपने मसीही त्यौहारों को पुरजोश अंदाज से मनाते हैं। और बेटी हर्षा का कहना है कि इन्हें सबसे ज़्यादा जो खजूरों का त्यौहार है, इसमें ये बात पसंद है कि इसमें हम गीत गाते हैं, इसमें हम प्रस्तुति करते हैं, नारे लगाते हैं, और इनका जज्बा दीदनी था। और सबसे बड़ा जो इसका इस त्यौहार का नारा है वो यह है, बादशाहों का बादशाह यसु बादशाह। तो इस नारे के साथ यूनाइटेड जीसस चर्च मिनिस्ट्री के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है। बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। आज स्पेशली मैं तो सेंट लुक चर्च से हूँ, अमान मार्केट से, बट मैं यहाँ पे जोशो खरोश देखने के लिए आई थी, यहाँ पे पाजी साहेबान का मैसेज सुनने के लिए आई थी। पास्टर विल्सन दी बेस्ट, वो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। वहाँ से मैं उठ के तो यहाँ के जोश व खरोश को देखने के लिए, यहाँ की यूथ को देखने के लिए और पास्टर साहेबान को देखने के लिए और उनके साथ मीटिंग में शामिल होने के लिए आई थी। सेंट लुक चर्च एवान टोन से आपका ताल्लुक है जी? ग्रीन टोन की आवाम का जो जज्बा है ये दीदनी है, और कहा जाता है कि NA 127 सियासी एतबार से वो हल्का है जहाँ पे मसीह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, क्रिश्चियन कॉलोनी है, कीर कला है, 5D1 है, मरियम कॉलोनी है, नवाज मोड़ है, बागनी, और बहुत से नाम इसमें शामिल है, और यहाँ पे कसीर तादाद में मसीह आबाद है। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन होती है, अभी हम आपको क्रिश्चियन कॉलोनी भी लेके गए थे, वहाँ पर आपने देखा सड़कें कैसे खूबसूरत कैसे सजी थी। और यहाँ पे जब 5D1 में आए हैं तो यहाँ पे भी बहुत से चर्चेज मौजूद हैं और बहुत सी कलीसियाएं हैं जिन्होंने बड़े जोश व खरोश से मनाया, और बाजी यहाँ पे इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आपने PMC चैनल को ज्वाइन किया। जी आप भी कुछ ऐड करें। ज़रूर जी, मैं सीनियर पास्टर विल्सन एजाज की वाइफ हूँ, पास्टर सबा विल्सन एजाज, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारी क्लिसिया जो है यहाँ पे है और सब जो है एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ इसमें शामिल हैं, तो हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है। और आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि बींग अ पास्टर, जब आप क्लिसिया को ग्रो करते हुए देखते हैं, अपने सब अजीज़ों को सलामत और खुशहाल देखते हैं, तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए जो है इस त्यौहार की खुशी है। और हम बहुत शादमान हैं आज के दिन के खुदावन ने हमें जो है पीरी सलामती दी है कि हमने इस दिन को अपनी क्लीसिया के साथ सेलिब्रेट किया और देखा। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और सुंदर नाम में तमाम PMC व्यूअर्स को मेरा सलाम। मेरी तरफ से यूनाइटेड चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम PMC व्यूअर्स को हैप्पी ईस्टर एंड ईद उल कयामतुल मसीह मुबारक हो। बादशाहों का बादशाह यसु बादशाह,
पॉम संडे मनाते हुए क्या ही खुशी का समा है। हर तरफ लोग इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मना रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं तो कुछ लोग हैं जो हमारे मुल्क को नापसंद करते हैं और शायद इसमें बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद का हाथ पाकिस्तान पर है और ये सदा सलामत रहेगी और इसके लिए हर जगह पर इबादत जारी व सारी है। सो मसीही लोग भी इस अपने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए सदा सलामती की दुआएं करते रहते हैं और हम पाकिस्तान की हुकूमत के और ख़ासतौर पर अपने एरिया के जो पुलिस मैन हैं उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और ग्रीनटाउन थाना ने भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है और यहाँ पर हर जगह पर हम देख रहे हैं कि जो पुलिस के अहलकार हैं वो मसीही चर्चिस के बाहर मौजूद होते हैं ताकि हिफाजत का काम किया जा सके। सो यूनाइटेड जीसस चर्च कीरकवा 5D1 में भी इस वक्त एक अहलकार मौजूद हैं, कांस्टेबल हैं भाई सजाद। तो सजाद भाई आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप हमेशा जब यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मसीही लोग जो इबादत के लिए आते हैं इनके साथ यहाँ पे आकर आपको कैसा लगता है? हमें जहाँ तक मैंने देखा है आज ये पहली ड्यूटी है हमारी, हम जिला शेखुपुरा से आए हैं इधर, तो आपके हाँ हमें तैनात किया गया है सिक्योरिटी के लिए आपके, तो हमारा फ़र्ज बनता है और हमें यही सिखाया गया है हमारे सीनियर अफसरान ने कि इंसानियत की खिदमत करनी है, फिरका वराना खिदमत नहीं करनी, इंसानी तौर पर इंसानियत की खिदमत करनी है। जैसे इसीलिए हम उन्हें हमें सिखाया है कि जैसे अपनी मसाजिदों की अपनी जो हैं इबादत गाहें उनकी हिफाजत करनी है, इसी तरह हमारा फ़र्ज है कि हम आपकी चर्च की आपकी इबादतगाहों की भी हिफाजत करें और आपकी ज़िंदगी की भी हिफाजत का हमारे ऊपर जिम्मा है। अच्छा सजाद भाई, आप मसीह लोगों से जब मिलते हैं तो इनको आप कैसा पाते हैं? ये पुरमन लोग हैं, गुस्से में लोग हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, तासुब करते हैं, या आपका क्या तजर्बा है? क्योंकि आप शेखुपुरा से आए हैं और लाहौर में बसी तादाद में मसीही आबाद है, तो यहाँ मसीहियों से आपका वास्ता पड़ रहा है, तो कैसा लगता है इनके साथ मिलजुल करके? जहाँ तक मैंने देखा है वो तो ऐसा है कि जैसा ये लोग ठीक हैं, जै हम में और इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसा ये ठीक है, मिलनसार लोग हैं और बस अच्छे हैं, प्यार करते हैं, प्यार वाले लोग हैं। तो कोई खाने छाने की दावत भी आपको देता है या यूँ ही खड़े रहते हैं? हाँ जी, जब आए हैं इन्होंने वहाँ पर, पहले हम चर्च गए थे तो इन्होंने खाने वगैरह की हमें दावत दी है, लेकिन हमने वहाँ पर नाश्ता थाने पे करके आए थे तो पानी शानी वगैरह बोतल वो हमने पी लिया, ठीक है बस इतना। मोहब्बत करते हैं लोग जी। पंजाब पुलिस बड़े ही मिलनसार तरीके से यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे भाई सजाद हैं जो पुलिस अधिकारी है ग्रीनटाउन थाने से, और यहाँ पर आते हैं और बड़े ही मिलनसार शेखुपुरे से इनका ताल्लुक और कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मसीहियों से मेरा वास्ता यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना शुरू हुआ है, तो बड़े अच्छे लोग हैं और खुदा का शुक्र है कि मसीहियों की जो पहचान है अमन की, ये परिस्तार हैं, अमन चाहते हैं, तो मसीहियों के साथ काम करके भाई सजाद जो कि पुलिस से यहाँ पर मौजूद हैं हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि ये भरपूर तरीके से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे। खुदावंद इन सब की भी हिफाजत करे, इन सबको अकल फहम तनाई से मामूर करे और आपसे भी दरख्वास्त है कि जब जब आपको मौका मिलता है दुआओं में मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआएं करने के साथ साथ अपने जो पुलिस अफसरान हैं, अपनी जो फौज है, अपनी जो अदलिया है और खासतौर पर हमारे जो आला अहदेदार है, क्योंकि बाइबल कहती है आला हुकूमतों के ताबिया रहो और उनके लिए दुआएं करते रहो, तो जरूर अपने दुआओं में हाथ उठाते वक्त भाई सजाद को भी याद रखिए और इनके दीगर साथियों को भी याद रखिए।